जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग का सभी लोग का आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आज आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज आप सभी लोग को जो है ना वो जितने भी मऊवासी के लोगों का जो एक मांग पत्र था, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि जो बलिया बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो इस ट्रेन का विस्तार होने वाला था बलिया रेलवे स्टेशन तक का, उसी ट्रेन को लेकर ना यहाँ पे एक मांग पत्र जो है ना वो यहाँ पे लिखा गया था मऊ के समस्त रेल यात्री तथा मऊ के समस्त व्यापारियों के द्वारा। और आज उस मांग पत्र को लेकर हम लोग जो है ना यहाँ पे हमारे कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा जी के पास जो है ना वो जाएंगे। और इस लेटर को जो है ना जो कि आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे जो लेटर आया है उसे आप देख सकते हैं, उस लेटर को हम लोग लेके जाएंगे। आपके इस लेटर में आप साफ साफ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि जो हमारे बलिया से जो चलने वाली है बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, उस ट्रेन के रूट को लेकर यहाँ पे इस मांग पत्र दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में मऊ से लखनऊ तक एक नई इंटरसिटी के रूप में यहाँ पे एक नई ट्रेन का यहाँ पे ये भी चीज इस लेटर में जो है ना वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस नई इंटरसिटी एक्सप्रेस की जो मतलब हम लोग ने जो रूट दिया है वो आया मोहम्मदाबाद आजमगढ़ शाहगंज बाराबंकी गोमती नगर होते हुए जो इस ट्रेन को है ना यहाँ पे लखनऊ तक एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ पे मांग पत्र जो है ना वो आप पढ़ सकते थे। और लेकिन आगे आपको पूरा मैं कैसे हम लोग गए थे कैबिनेट मंत्री जी के पास और कैसे हम लोग जो ये पूरा जो लेटर है ना वो दिए हैं, सारी चीज़ की जो वीडियो है ना वो आपको आगे मैं लगाया हूँ। और चीज़ एक आपको मैं और बता दूँ कि हमारी जो अभी तक बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का अभी भी जो रेलवे से ना कोई भी अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है कि जो ट्रेन है वो किन रूटों पे जाने वाली है, इन की वाया आपका रसड़ा होकर जाने वाली है कि वाया आपका गाजीपुर करीमुद्दीनपुर होते हुए जो ट्रेन है ना वो जाने वाली है। लेकिन भाई जहाँ तक मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे, एक नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो रसड़ा वासियों के पास ना ही दिल्ली के लिए कोई ट्रेन थी और ना ही अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले मुंबई के लिए ट्रेन थी। लेकिन अभी क्या है कि मुंबई के लिए जो ट्रेनें हैं ना वो हमारे रसड़ा वासियों को मिल चुका है, और वहीं अगर नई दिल्ली के लिए ट्रेनें मिल जाती ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ से यात्री जो है ना रसड़ा के अगल बगल क्षेत्रों से जो है ना वो आते हैं। चलिए अभी आपको मैं पूरी इस प्रक्रिया को कि कैसे लेटर हम लोग दिए हैं और कैसे लेटर नहीं दिए हैं और क्या आप भी लेटर किसी भी कैबिनेट मंत्री को दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों का जो है ना वो अब आगे हम लोग अच्छे से जो है ना वो बात करते हैं। और आने वाले टाइम पे भाई अभी भी रेलवे कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं लिया है कि जो ट्रेन है वो किस रूट से जाएगी और किस रूट से जो ट्रेन है ना वो नहीं जाने वाली है। तो चलिए अभी हम लोग पूरा चलते हैं और पूरा जो लेटर वगैरह है ना उसकी मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो भाई फाइनली आज हम लोग ये आप लेटर जो देख रहे हैं ना, और हम हैं और हमारे प्रिंस भैया हैं और हम लोग जा रहे हैं इस लेटर को ना यहाँ के जो ए के शर्मा जी जो मंत्री है ना उनको हम लोग इस लेटर को दे रहे हैं। और जहाँ तक जो प्रयास है ना वो अपनी बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन होने वाली है ना वो है ना वो मऊ और रसड़ा के रास्ते ही चलने वाली है। और भाई पूरा लेटर आपको मैं वीडियो के द्वारा जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ और बाकी आपको वीडियो के आगे मैं बताता हूँ। तो भाई गाड़ी यहाँ पे हम लोग पार्क कर दिए हैं और अभी भी लेटर साथ में और इधर आए हैं ए के शर्मा जी और फटाफट चलते हैं और देते हैं। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं इस ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है मऊ का कम्युनिटी हॉल, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी कुछ होता है ना फंक्शन वगैरह वो यहीं पे होता है। और अभी चलिए अभी हम लोग वेट करते हैं बाहर आने का उनका और फिर जाके लेटर वगैरह जो है ना वो हम लोग देते हैं और बाकी आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ वो दिन गए अब वो दिन गया। ट्रांसफार्मर बड़ा अद्भुत चीज है, अलौकिक चीज होता है, स्वर्ग से आता था, अरे यहीं से आता ही लग जाता है, लगवा दीजिए लग जाएगा। तो भाई बाकी आप सामने देख सकते हैं मंत्री जी के हाथ में जो लेटर है ना वो पढ़े और जो पढ़कर जो है ना वो उस लेटर को हाथ में लेकर जो है ना वो गाड़ी में बैठ गए। और बाकी मैं बता दूँ थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, इसलिए धक्का लगने से वजह से जो
जो वीडियो जो बना रहे थे भैया ना, उनका थोड़ा हाथ इधर से हो गया, इसलिए जो वीडियो है ना वो साफ साफ अभी तक नहीं आया। और एक बार और हम लोग जो है ना वो मांग पत्र देने वाले हैं किसी और नई ट्रेन को लेकर, और पूरी आपको ये ट्रेन की जानकारी और ये मांग पत्र वगैरह जो है वो कि पूरी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई ट्रेन के जर्नी और वीडियो में।